सारा कर। प्रिय विद्यार्थियों, आज के बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि समाजशास्त्र क्या है और समाजशास्त्र को अन्य अलग अलग विद्वानों ने किस प्रकार से परिभाषित किया है। आज हम समाजशास्त्र का आपके यूनिट का दूसरा टॉपिक लेते हैं कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है। एक्चुअल में कि हमें इस समाजशास्त्र को किस दृष्टिकोण से पढ़ना है और क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और हर बार किसी न किसी रूप से आपके पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ये तीनों में ही कहीं पर भी आ सकता है। इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से व्हाट इज़ सोशियोलॉजी और डिस्कस इट्स स्कोप, तो इसलिए ये बहुत बार आता है, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयार करें कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र में हम क्या चीज़ रखेंगे और समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र में हम किस रूपों में आगे बढ़ेंगे। तो समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, जो स्कोप है, ये स्कोप को दो रूपों से पढ़ना है अपने को। दो इसके संप्रदाय हुए हैं, पहला संप्रदाय है स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय। जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है इसको बोलते हैं फॉर्मलिस्टिक स्कूल, और जो ये समन्वयात्मक संप्रदाय है ये है सिंथेटिक स्कूल। तो दो विचारधाराएं हैं, एक्चुअल में क्या है, दो विचारधाराएं हैं जो कि समाजशास्त्र को अपने अपने दृष्टिकोण से देखती है। तो जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है इसके जो मेन जो थिंकर हुए हैं वो हैं जॉर्ज सीमिल, और भी बहुत सारे लोग हैं जैसे वीरकांत है, और जो मेन जो है वो जॉर्ज सीमिल है। जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल है, फॉर्मलिस्टिक स्कूल क्या बोलता है कि ये समाजशास्त्र क्या है, ये एक स्पेशल साइंस है। इसको क्या बोलेंगे, इसको आप ध्यानपूर्वक कहते हैं विशेष विज्ञान है। जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल वाले हैं वो क्या बोलते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, ये स्पेशल साइंस है, विशेष विज्ञान है, और इसको एज स्पेशल साइंस ही ट्रीट करना चाहिए। और इसको स्पेशल साइंस ट्रीट क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये भी जैसे अन्य सारे विद्वान जो अन्य सारे विज्ञान होते हैं उसकी तरह इनकी अपनी विषय वस्तु है, इनका अपना विषय क्षेत्र है, इनके अपने थिंकर्स हैं। तो जब हमारे पास हमारा पूरा का पूरा एक स्वरूप है तो हम इसको जो विशेष विज्ञान की तुलना में या विशेष विज्ञान क्यों ना माने। तो इसलिए इसके जो मेन जो इसलिए इसको क्या याद रखना है कि ये स्पेशल साइंस है, विशेष विज्ञान है, और इसको क्या बोलते हैं फॉर्मलिस्टिक स्कूल। अब जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल में जो इसके मेन जो प्रवर्तक जिसकी मैंने बात की जॉर्ज सीमिल, वो क्या कहते हैं, जॉर्ज सीमिल का जो कहना था, उन्होंने कहा कि दो चीज़ें होती हैं, एक तो बाहरी स्वरूप होता है और एक होती है अंतर्वस्तु। तो जो इंटरनल जो आपका कंटेंट होता है और एक जो बाहरी स्वरूप, चाहे किसी भी आप देखोगे कि जो किताबों में भी एक ग्लास का उदाहरण दिया हुआ होता है या अन्य भी किसी प्रकार से, तो जो बाहर का जो इसका स्वरूप है वो, और अंदर जो मटेरियल अपन इसके अंदर कुछ भी भरते हैं, चाहे पानी भरें या चाय भरें या गंगा जल भरें, तो जो इसके बाहरी स्वरूप पर इसके अंदर के जो कंटेंट भरा हुआ है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भारी स्वरूप तो ऊपर का रहेगा। तो जो समाजशास्त्र है एज ए स्पेशल साइंस वो किसका अध्ययन करता है, कंटेंट का अध्ययन करता है, अंतर्वस्तु का अध्ययन करता है, वो कभी भी बाहरी स्वरूप का अध्ययन नहीं करता, क्योंकि बाहरी स्वरूप का अध्ययन तो समाज के बहुत सारे समाज विज्ञान अलग रूप से करते हैं, और जो कंटेंट का अध्ययन करता है, जो बाहरी स्वरूप से रिलेटेड जो अंदर का कंटेंट होता है उसका अध्ययन कौन करता है, समाजशास्त्र करता है। तो इसीलिए जॉर्ज सीमिल ने इस उदाहरण के द्वारा अपनी इस चीज़ को बताने का प्रयास किया। ऐसे ही जो दूसरे वीरकांत हैं उन्होंने भी इसको अपने उदाहरण के द्वारा बताया कि स्वरूप कुछ भी हो, हम कंटेंट की बात करते हैं और कंटेंट का अध्ययन करते हैं। तो इसीलिए, और जो दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय है, जो समन्वयात्मक इसके जो मेन प्रवर्तक हैं वो कौन है, हॉब हाउस। तो जो
इसके जो हॉब हाउस हैं ये क्या कहते हैं कि जो समन्वयातक सिंथेटिक स्कूल है ये क्या कहता है कि समाजशास्त्र क्या है। यहाँ तो इन्होंने जॉर्ज सी मिल ने क्या बात कही कि फॉर्मलिस्टिक है और ये विशेष विज्ञान है, स्पेशल साइंस है। यहाँ पर ये कहता है कि स्पेशल साइंस जैसा कुछ भी नहीं है। ये जो हॉब हाउस का क्या कहना है कि उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र क्या है, समाज का अध्ययन करता है और समाज तो सबसे मिलकर बनता है, तो जब समाज जो सबसे मिलकर बनता है तो यहाँ पर ऐसी क्या स्पेशल, इसमें कोई स्पेशल साइंस जैसी कोई बात ही नहीं है, तो हम क्या करें। यहाँ पर इन्होंने जैसे हॉब हाउस, इन्होंने जॉर्ज सी मिल ने अपने उदाहरण के द्वारा बताने का प्रयास किया, वैसे ही हॉब हाउस ने भी एक बायोलॉजिक शरीर के उदाहरण के द्वारा बताने का प्रयास किया कि क्या है जो ये सिंथेटिक स्कूल। वो कहते हैं जैसे हमारा शरीर है और शरीर से जुड़ी हुई बहुत सारे, जैसे हाथ है, पांव है, मस्तिष्क है, गर्दन है, आंखें हैं, अपने बोलना है, तो ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं, शरीर से जुड़ी हुई हैं। और जब ये शरीर से जुड़कर जुड़ी हुई होती हैं तो ये वर्किंग प्रोसीजर में रहती हैं, और जब ये, और अगर इनको, हाथ को अपन शरीर से हटा दें तो इट्सेल्फ इसका कोई विशेष महत्व नहीं होता, क्योंकि ये जब शरीर से जुड़ता है तभी इसका विशेष महत्व होता है। तो जब, इसलिए उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये वाला जो है ये क्या है, सामान्य विज्ञान है। वो क्या कहते थे कि वो कहते थे कि ये जो है वो क्या है, स्पेशल साइंस है, और ये कहते हैं कि ये सामान्य विज्ञान है। यहाँ पर हम इस चीज़ की बात करते हैं कि ये सामान्य है, यहाँ पर हम इसमें कोई स्पेशल बात नहीं करेंगे। तो जैसे इसके भी जो हॉब हाउस हैं, इन्होंने कहा कि जो है इसमें स्पेशल जैसी कोई बात ही नहीं है, हम सब कंसोलिडेटेड होकर एक रूप बना लेते हैं, और जिसके अंदर जैसे शरीर के सारे अंगों का इट्सेल्फ अपना भी महत्व होता है, ऐसे ही समाज के विभिन्न अंग, जैसे परिवार, परिवार का अपना महत्व है, विवाह की संस्था उसका अपना महत्व है, तो जब जैसे परिवार की संस्था का, जाति व्यवस्था उसका अपना महत्व है, वर्ग व्यवस्था है उसका अपना महत्व है, तो जैसे जाति इट्सेल्फ अपना भी महत्व रखती है और जब वो समाज से जुड़ती है तो समाज के ऊपर अपना पूरा का पूरा प्रभाव रखती है। वर्ग है तो वर्ग इट्सेल्फ अपने आप में भी एक पूरा का पूरा यूनिट है, लेकिन जब वो समाज के साथ जुड़ता है तो वर्ग को अपन जानते ही हैं कि क्लास स्टेटस जो है अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, कास्ट सिस्टम अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, परिवार, परिवार अपने आप में एक सबसे बड़ी संस्था है, और परिवार का अपना, परिवार के अपने प्रकार, परिवार का अपना अर्थ, परिवार की अपनी कार्य प्रणालियाँ, परिवार के अपने प्रकार है, परिवार के अपने दोष गुण और परिवार के अपने चेंजेस, तो ये अपने आप में इतनी बड़ी संस्था है, लेकिन क्या समाज के बिना उसका अस्तित्व है, पर क्या समाज से तो जुड़ी हुई है ना, जब वो समाज से जुड़ेगी तभी तो उसका वर्किंग प्रोसीजर शुरू होगा। तो इसलिए परिवार, विवाह की संस्थाएं, जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, जो भी कंटेंट्स हैं समाजशास्त्र के, वो एक सामान्य बात है। उन्होंने कहा कि इसमें स्पेशल जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि इट्सेल्फ उसका, वो तो उसके अंतर्वस्तु का अध्ययन करते हैं, और यहाँ पर हम एज ए वर्किंग प्रोसीजर के रूप में समाज के साथ जुड़कर उसका अध्ययन करते हैं। तो ये विषय क्षेत्र की बात हुई, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय, ये समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र हैं। इसमें आपके अपनी बुक्स में भी आप देखोगे कि इनके जो, जैसे जॉर्ज सी मिल है या हॉब हाउस है, इनके अपने अपने एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाने का प्रयास किया है, और मैंने भी उसको आपको उसी रूप में समझाने का प्रयास किया है। मैं समझती हूँ कि आपको समझ आएगा। कल हम वापस क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है या नहीं, और उसको जस्टिफाई करेंगे कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, तो आपका ये यूनिट पूरा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।